एसोसिएट स्पॉन्सर आईसीएस कोचिंग सेंटर, सरकारी नौकरी की तैयारी करवाने वाला प्रदेश का नंबर वन कोचिंग सेंटर। पार्टनर मधुसागर शुद्ध देसी घी, मेरे परिवार में प्यार का स्वाद मधुसागर शुद्ध देसी घी। इंडस्ट्रियल पार्टनर मैक्स प्रोज वेंचर्स इंडिया लिमिटेड। हेल्थ पार्टनर पारस हॉस्पिटल्स, पार्टनर्स इन हेल्थ। स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन। प्रिंट पार्टनर आज समाज। वेन्यू पार्टनर ब्लिस प्रीमियर बैंक्वेट एंड कन्वेंशन। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा के इस खास कार्यक्रम साउथ हरियाणा अधिवेशन में। देखिए, शहरों की जब बात होती है तो शहर हमेशा एक परिसीमा होते हैं, एक सबसे बढ़कर एक तंत्र होते हैं, एक स्थापत्य होते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो शहर एक उम्मीद का नाम है। और इसी शहर में आज हम हैं जो एक उम्मीदों का शहर है। क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्या परिकल्पनाएं हैं, और क्या कुछ आगे आने वाले समय में भविष्य की योजनाएं हैं, इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम साउथ हरियाणा अधिवेशन में, जिसके पहले सत्र की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, कोरोना का जिक्र होता है और उद्योगों की जब बात होती है तो सीधे सीधे उद्योगों पर कोरोना की मार पड़ी है। महामारी ने पूरी दुनिया में भय और अनिश्चितता का एक ऐसा माहौल बना दिया है जो कहीं ना कहीं हम सबको प्रभावित करता है। उद्योग इससे अछूते नहीं है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है कोरोना काल में, क्योंकि गुरुग्राम एक ऐसी नगरी है जहां उद्योग फल फूल रहे हैं, अपने आप में एक बेहतर विकास की ओर इस शहर को लेकर जा रहे हैं। तो हमारा पहला सत्र है कोरोना काल के बाद उद्योगों का हाल। इसमें हमारे मेहमान रहेंगे सचिन जैन, जो कि एमडी हैं एलकेएलएस प्राइवेट लिमिटेड, उद्योगपति हैं। आपका मंच पर स्वागत करते हैं सचिन जैन जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा सचिन जैन का। पवन यादव हमारे बीच हैं, इस सत्र में हमारे मेहमान रहेंगे, प्रेसिडेंट हैं आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन मानेसर के। संजीव कुमार एमडी हैं ब्लिस प्रीमियर के, आपको भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी दीपक शर। हम आज बात कर रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा की खास अधिवेशन, जो कि साउथ हरियाणा का अधिवेशन, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा रहेगी। आज के इस अधिवेशन में अगर बात की जाए, चाहे वो इंडस्ट्री को लेकर के बात की जाए, एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर के बात की जाए, स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि चर्चा अगर हम बात करें इसकी इंडस्ट्री से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और हमारे साथ में अगर बात करें संजीव जी हमारे साथ में हैं जो कि ब्लिस प्रीमियर से हैं, उनके साथ साथ अगर हम बात करें हमारे साथ में सचिन जैन जी हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एलकेएलएस। इस चर्चा की शुरुआत हम देखोगे दक्षिण हरियाणा की इंडस्ट्री की लगे कर रहे हैं। और दक्षिण हरियाणा की अगर हम बात करें, यूं तो दूध दही का खाना हरियाणा का कहा जाता है, एक अलग पहचान, लेकिन सबसे बड़ी बात दक्षिण हरियाणा, जब इस हरियाणा में दक्षिण हरियाणा की बात करते हैं, चाहे गुरुग्राम की बात की जाए, मानेसर की बात की जाए, बावल की बात की जाए, धारूड़ा की बात की जाए, ये एक ऐसे औद्योगिक इलाके हैं जिनकी पहचान पूरे विश्व में है, जिन्होंने इन औद्योगिक इलाकों ने हरियाणा की पहचान, भारत की पहचान पूरे विश्व में बनाई। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और हमारे इंडस्ट्री से हम चर्चा करें। हमारे सबसे पहले बात करेंगे सचिन जी से। सचिन जी, कोरोना काल की अगर हम बात करें, पूरा एक साल बीत चुका है, तमाम चुनौतियाँ इस दौरान जो हैं पूरे विश्व ने देखी, भारत ने भी, प्रदेश ने भी, और अब हम उससे धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ मामले जरूर अब भी आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसमें सुधार, और अब दोबारा से राह पर आ गए हैं उसी में सुधार की ओर, विकास की ओर। ऐसे में इंडस्ट्री ने ये एक साल कैसा देखा, और अब आगे किस तरीके के अब हालात इंडस्ट्री को लेकर देख रहे हैं? देखिए, ये सभी को पता है कि ये बहुत टफ टाइम रहा, ना कि हिंदुस्तान की इंडस्ट्री के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। और जहाँ तक हम अपने हरियाणा की बात करते हैं, तो मैं थोड़ा गवर्नमेंट को भी, हरियाणा सरकार को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने छोटे छोटे लोन्स को लेके, छोटे इंडस्ट्रीज़ को लेकर के, बड़ी इंडस्ट्री के लिए हिसाब से बड़े इंडस्ट्रीज़ को पैकेज देके काफ़ी मदद की है। और जहाँ तक बात करें हम अपने सभी कर्मचारियों की, वो छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक, तो उस केस में उन्होंने भी साथ दिया और इंडस्ट्रीज़ ने भी पूरा साथ दिया, जिसमें सरकार का भी साथ था। और भगवान ना करे ऐसा टफ टाइम दोबारा देखना पड़े। चलिए, तो सरकार का भी साथ था, कर्मचारियों ने भी साथ दिया, और खुद तमाम इंडस्ट्रीज ने भी
समझा कि कैसे इससे सुधार करके और आगे बढ़ा जाए, जो एक संकट का समय था, तमाम इंडस्ट्री पे इसका कहना क्या असर था। लेकिन हमारे साथ में अगर बात करें संजीव जी, हमारे साथ में होटल इंडस्ट्री पे भी एक बड़ा असर, चाहे वो हम बैंक्वेट्स की बात करें, होटल्स की बात करें, एक बड़ा असर देखा गया। अब अगर हम बात करें पिछला एक साल होटल इंडस्ट्री के लिए किस तरीके का रहा, और अब हम हालात, हालांकि तमाम सरकार ने भी अब सहूलत दी है, सहूलत दी है जिसमें हमने देखा था कभी 50 की संख्या, कभी 100 की संख्या, तमाम प्रोग्राम्स की भी बात की जाए, रूम्स की बात की जाए, रेस्टोरेंट की बात की जाए, अब किस तरीके के हालात आप देख रहे हैं और कैसे अब ये होटल इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी? सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा, नई SOP के तहत जो हमें सुविधाएँ अब मिली हैं उससे काफ़ी उम्मीद जगी है कि हम लोग बहुत जल्दी इस इकोनॉमिक लॉस को रिवाइव कर लेंगे, उम्मीद यही है। बाकी अब जो हालात अब दोबारा से कोविड के क्रिएट हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट पहले भी हमारी इंडस्ट्री पे हुआ था, हॉस्पिटैलिटी पे, और आने वाले समय में भी हॉस्पिटैलिटी पे ही इसका इम्पैक्ट सबसे पहले आएगा, क्योंकि सोशल गैदरिंग का सबसे बड़ा जो प्लेस है वो हमारी बैंक्वेट इंडस्ट्री है। तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए अब आने वाले हालात, आने वाला समय कैसा रहेगा, अभी इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। देखिए कहना मुश्किल है, हालांकि सरकार से बेहतर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे साथ में पवन जी जुड़ चुके हैं। पवन जी के बारे में बताना चाहेंगे कि ये IMT मानेसर जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट। और पवन जी अगर हम बात करें, अभी हम चर्चा कर रहे थे यहाँ की इंडस्ट्री को लेकर कि कोरोना काल जो है, इस कोरोना काल के दौरान अब ये समय बीत चुका है, अब धीरे धीरे समय वापिस राह पटरी पर दोबारा जो है अब जो दिनचर्या आने लगी है, लेकिन हालांकि कुछ मामले जरूर हैं उसको लेकर के भी, चाहे सरकार की बात करें, प्रशासन की बात करें, आम लोगों की बात करें या फिर तमाम इंडस्ट्रीज की बात करें, अपनी तरफ से बेहतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस एक साल को कैसा देखा, और अब इंडस्ट्री के अगर क्षेत्र की बात करें, औद्योगिक क्षेत्रों की अगर बात करें, कितना असर पड़ा, क्या उम्मीद रखते हैं आगे आने वाले समय में इसको लेकर? जी नमस्कार। देखिए एक साल इंडस्ट्रीज के लिए कहें या हर इंसान के लिए, पूरा दुनिया में सभी के लिए खराब रहा था। आप सभी ने देखा कोरोना आया, हर चीज़ हिली, सब कुछ बंद हो गया था, दोबारा धीरे धीरे चीज़ें चली। हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं या पुलिसिंग है या सरकार है, हर क्षेत्र में सभी ने अच्छा किया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाली चीज़ थी वो इंडस्ट्री थी। आज भी कुछ दिन पहले आपने डेटा देखा होगा, हिंदुस्तान में पिछले एक साल में 10,100 कंपनियाँ, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो या अलग अलग क्षेत्र में हो, ये कंपनियाँ बंद हुई है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात देखें तो पिछले एक साल में बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट भी हुआ है। तो इंडस्ट्री रुकी, धीरे धीरे वापस चली। आज मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत अच्छी पोजीशन है, हाँ बेटर हुई है चीज़ें पहले से, और अब जो दोबारा ये सेकेंड फेज आ रहा है इससे थोड़ा हमें दोबारा से डर है कि कहीं फिर से कोई ज़्यादा दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी चीज़ है, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है आपने 2 दिन बंद की तीसरे दिन चला दो, उनकी अपनी हेल्थ होती है, फाइनेंशियल हेल्थ है, वो एक बार बिगड़ना शुरू होगी तो वो काबू में नहीं आती है, और उस चीज़ के लिए सरकार भी इंडिविजुअल किसी कंपनी को सपोर्ट नहीं कर पाती। तो एक एक कंपनी करके पूरी इंडस्ट्री के अगर आप हालात देखते हो तो ऑटो सेक्टर सबसे पहले रिवाइव किया है, क्योंकि कोविड के बाद सभी ने पब्लिक जो व्हीकल्स हैं उनको छोड़ के इंडिविजुअल व्हीकल्स में अलग अलग चलने की कोशिश की, तो ये डिवीजन तो हमारा ठीक हो गया इंडस्ट्री। बट अगर आप वाइट गुड्स देखो या गारमेंट्स देखो, आज भी उनके हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हुए हैं। हाँ उम्मीद है कि थोड़े दिन में चीज़ें दोबारा से ठीक होंगी, रिवाइव होंगी। चलिए उम्मीद है, और उम्मीद नहीं, बेहतर उम्मीद के साथ अगर बात करें, वापस तमाम चीज़ें ठीक भी हो रही हैं, चाहे हम बात कर रहे थे उन तमाम उद्योगपतियों की सहयोग की बात करें, हम एम्प्लॉयज़ की बात करें, कर्मचारी की, हम गवर्नमेंट की, प्रशासन की, उनके साथ तमाम अगर बात करें, तमाम जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, तमाम लोगों का कहना कि सहयोग भी सकता है। हम अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि कैसे, क्योंकि उस समय हमने पलायन की स्थिति देखी थी, अब लोग दोबारा आए वापस कंपनियों में, सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात थी, कर्मचारियों को अब किस तरीके की परिस्थितियां खासकर इसको लेकर देखते हैं हम बात कर रहे थे, उसके साथ अर्थव्यवस्था की भी आप कुछ देर पहले आप चर्चा कर रहे थे उसको लेकर। सर देखिए, कर्मचारियों के लिए तो एक टफ टाइम रहा है और अभी चल भी रहा है। जो कर्मचारी वापस गए थे कोरोना काल में, आते में कुछ डर भी रहे हैं और कुछ आए भी हैं, तो कहीं ना कहीं मन में ये है कि दोबारा से, अभी जैसे केसेस बढ़ रहे हैं सभी देख रहे हैं, कि दोबारा से कोई लॉकडाउन ना हो या हम लोग किस तरीके से काम करेंगे, तो थोड़ा सा टफ टाइम है लेबर्स के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज सारा डिपेंड करती है कर्मचारियों के ऊपर, अकेला ओनर या अकेली जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारा काम नहीं कर सकते, काम करने के लिए मजदूर चाहिए होते हैं, और सबसे ज़्यादा इस टाइम पे हमें मज़दूरों का भी ध्यान रखना है, और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
हम बात करेंगे संजीव जी से, आपसे होटल इंडस्ट्री की हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, आपने कहा कि काफ़ी अच्छा सरकार का सहयोग भी रहा, लेकिन अब जो तमाम इवेंट्स हैं किस तरीके से अब आप देखते हैं इस तरह के जो प्रोग्राम्स रहते, चाहे हम फंक्शन फैमिली फंक्शन की बात करें, तमाम इस तरह के कार्यक्रम, उसको लेके क्राउड को लेके जो स्थिति अब सरकार की तरफ से छूट दी गई, इसके बाद होटल इंडस्ट्री का कैसा सहयोग है, अब आप सरकार से आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इस टाइम जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे महसूस हो रही है इस केस में कि जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, किसी भी सोशल फंक्शन में आने से लोग हेजिटेट कर रहे हैं, उस चीज़ को कन्वर्ट करने में सरकार का सहयोग वांछित है, क्योंकि सरकार यदि इस, जैसे आज हम कोविड वैक्सीन की बात करते हैं, अगर हम वैक्सीन को प्रमोट कर रहे हैं, वैक्सीन लोग लगवाते हैं, अभी तक काफ़ी लोगों ने नहीं भी लगवाई है, अगर लगवाना शुरू कर देते हैं तो शायद हो सकता है कि आने वाले समय में ये डर कम होता चला जाए, पर आज डर की स्थिति बनी हुई है। हुआ है काफी सुधार, पहले से बहुत हुआ है, लेकिन अभी भी स्टिल कुछ भी कहना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है इस इंडस्ट्री के लिए। चलिए, तो और वाकई में नजर भी आया है, लोगों में तो जागरूकता थी, तमाम बातें यहाँ पर थी, हम दोबारा चर्चा करेंगे पवन जी से, हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये खुद प्रेसिडेंट है IMT इंडस्ट्रियल जो एसोसिएशन है उसके। पवन जी, हम बात कर रहे थे तमाम जो कंपनियों की, कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से पलायन की स्थिति थी, लेकिन अब दोबारा कंपनियां जो हैं तमाम जो सुधार हुए हैं, फिलहाल सोशल डिस्टेंस को लेकर बात की गई थी कि एम्प्लॉयमेंट कर्मचारी की संख्या को लेकर के बात की गई थी, अर्थव्यवस्था को लेकर बात की गई थी, आपने कहा ऑटो इंडस्ट्री ने तो दोबारा से तेजी, तो फिलहाल कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर तमाम थे। देखिए, अभी जो पलायन की बात हो रही थी, हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी बात हो रही थी, पहले मैं उसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 23 मार्च को पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो वर्कर्स ने एकदम से पलायन नहीं करना शुरू किया था, जैसे जैसे डर बढ़ा था उसके बाद उन्होंने सोचा था कि हमें निकलना चाहिए कहीं ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, तो बहुत ज़्यादा बड़ा लेवल पर नहीं हुआ था पलायन। उसके बाद गवर्नमेंट ने उस डर को देखते लोगों को खुद से ट्रेन, स्पेशल ट्रेन और बसें चला के घर भेजे थे, और जब तक वो यहाँ थे, चाहे हमारी एसोसिएशन हो या हमने इंडिविजुअल लेवल पर, और सरकार ने भी उनके खाने पीने किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दी, तो वर्कर्स जो थे बहुत अच्छे हालात में थे, चाहे वो दवाई हो या खाना हो, कोई भी चीज़ उनको कम हमने नहीं होने दिया था। और रही बात आज इंडस्ट्री, देखो आप 5 अप्रैल कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स थे उनकी इंडस्ट्री के लिए अप्रैल से परमिशन मिलना शुरू हो गई थी, और आज तक उसके बाद मई में तो सारी इंडस्ट्री अच्छे से 80% देन 100% पे काम कर रही है, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो या कोई बाकी एहतियात हो जो कोविड से बचाने के लिए, वो अच्छे से की जा रही है। आज भी इंडस्ट्री की जो बसें हैं कंपनी की, वो 50% गैदरिंग के साथ ही चलती है, आप वर्क फ्लोर पे जाओगे वहाँ भी देखोगे तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हम हर चीज़ मेंटेन करके ही चलते हैं, आपको कहीं लापरवाही इंडस्ट्री में मिलेगी नहीं। उसी का रिजल्ट है कि अकेले मानेसर में 3.5 लाख लोग काम करते हैं, और वहाँ पे कभी भी कंटोनमेंट जोन बनाने की नौबत नहीं आने दी हमने, और केसेस भी कभी इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा आपने नोटिस नहीं किए होंगे, क्योंकि इंडस्ट्री हमेशा से आप देखना बिल्कुल डिसिप्लिन में काम करती है और कहीं लापरवाही की हम गुंजाइश छोड़ते ही नहीं है। सचिन जी, हम बात कर रहे हैं, अभी तक तो कोरोना काल की बात ही नहीं, इसके आगे बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि गुरुग्राम का उद्योग विहार की बात करें, मानेसर की बात करें, धारूहेड़ा की बात करें, बावल की बात करें, साउथ हरियाणा की, क्योंकि हालांकि रेवाड़ी में लगता है लेकिन साउथ हरियाणा के अंदर है, एक विश्व में एक अलग पहचान है, और आने वाले समय में सरकार इसको और आगे बढ़ाने के लिए, नया IMT की बात सोहना में की गई है कि सोहना में अभी एक नया IMT और क्षेत्र को और आगे बढ़ावा दिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं इसी रेवाड़ी के आसपास, तो जिस तरीके से चाहे हम ईस्टर्न पेरिफेरी रोड है, इसके बाद किस तरीके का स्कोप देखते हैं इस क्षेत्र में, साउथ हरियाणा में इंडस्ट्री को लेकर के, और इंडस्ट्रियों का कितना रुझान यहाँ पर देखते हैं, उद्योगपतियों का किस तरीके से देखते हैं, खासकर निवेश की बात करें तो? वैसे तो ये आंसर पवन जी बहुत अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक सरकार ने जो पहल की है, IMT मानेसर, IMT सोहना, रेवाड़ी, बावल, बहुत मेगा से NCR में या आसपास के एरिया में सबसे अच्छे इंडस्ट्री एरिया हैं, और सभी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेबर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है, कोरोना काल में जो प्रॉब्लम रही अभी मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे, और कोई भी अच्छी इंडस्ट्री है, अगर आप देखेंगे तो इंडिया की जितनी भी अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं बड़ी, जैसे चाहे मारुति को ले लो, मारुति के मैक्सिमम प्लांट अभी कुछ भी होने के बावजूद भी हमारे हरियाणा में ही है, गुड़गांव में 2 हैं और चौपांकी आई थिंक उसमें ही आते हैं, शायद हरियाणा में ही आते हैं। मैं आपको इस पे जैन साहब को थोड़ा हेल्प करता हूँ मैं। देखिए, जो IMT सोना
सीएम साहब ने भी डिस्कस किया था और 1400 करोड़ के आसपास 1400 एकड़ में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बताई थी। वो 1400 एकड़ में जो आईएमटी सोना बन रही है वो अच्छा स्टेप है हमारे मानेसर को और ब्रॉड करेगा। उसके अलावा महेंद्रगढ़ और नारनौल के पास इन्होंने एक हब बनाया लॉजिस्टिक हब, वो भी हरियाणा की ग्रोथ के लिए काफी अच्छा साबित होगा। और इनफैक्ट सीएम साहब ने उसमें ये भी क्लियर किया था बजट में कि हरियाणा से मुंबई का जो ट्रेवल टाइम है वो 7 दिन से हम 24 घंटे कर देंगे, तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा सोनीपत में भी नए इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे, बहुत अच्छा है, हरियाणा का ग्रोथ है। लेकिन एक चीज हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, जो 75% रिजर्वेशन का है वो एक इम्पैक्ट आएगा हरियाणा के इंडस्ट्रीज के लिए। हम बाकी सारी ग्रोथ पाथ में, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमने ब्लैक डॉट लगाए अपने हरियाणा के जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उस पे हमने सीएम साहब को भी कई बार लेटर भी लिखा है और आज भी 3 बजे बल्कि मीटिंग थी हमारी, तो मैं तो जा नहीं पाया वहाँ। आज भी इस विषय पे डिस्कशन होगा कि 75% से कैसे बचा जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एक बैरियर है हमारा। तो हमने भी रिक्वेस्ट किया सरकार से हर तरह से कि ये गलत है, आप स्किल डेवलपमेंट करो। इनफैक्ट अगर आपको करना भी था तो स्टार्ट करना हमें थोड़े से चाहिए था, 25% से हम स्टार्ट करते और उसको ग्रेजुअली ईयर एंड ईयर हम बढ़ाते रहते। उससे क्या होता, पीछे हमारा स्किल डेवलपमेंट होता रहता और कहीं भी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम नहीं आती, बट वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन इसके लिए सरकार ने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जिसकी तनख्वाह वेतन 50,000 से कम होगा उनको लेकर रखा गया है, जब कुछ राहत और जरूर है। आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, सरकार ने कहा है कि इसके लिए भी वो उसको लेकर के भी एक अलग बजट जो है एलोकेट किया है इसके लिए। उनका कहना है कि केंद्र भी बनाए जाएंगे, तो इसको लेकर इंडस्ट्री को भी लगता है कि कोई जिम्मेदारी इसमें आगे आना चाहिए। जब कोई एम्प्लॉई हो जिसकी किसी को रखते हैं तो उसके साथ साथ सरकार के साथ मिलकर के, या फिर किस तरीके से आप लोग इसको लेकर अपनी योजना बना रहे हैं तमाम बतौर, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं आईएमटी, अगर मानेसर की बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तो उसको लेकर हम बात करें तो जी। अभी पीछे 10 दिन पहले डीसी साहब के साथ हमारी मीटिंग थी और वहाँ पे ज्वाइंट डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट हरियाणा की जो थे वो भी थे। उन्होंने एक डेटा दिया था कि हरियाणा में पिछले 4-5 सालों में 50,000 लोग इन्होंने स्किल्स डेवलप की है, बट आप देखो अकेले गुड़गांव में लगभग 17 लाख लोग काम करते, तो 50,000 से कैसे काम, 50 ही हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। 50,000 से ऊपर तो मैनेजरियल पोस्ट आ जाती है, वहां ग्रेजुएशन उन्होंने हटा दिया है। जब नए बच्चे आप लगाते हो वो 20,000-25,000 से स्टार्ट करते हैं, अब वो आईटी में चाहे कंप्यूटर साइंस है या कोई भी चीज है, हरियाणा में क्या इतने कॉलेजेस हैं कि हम हर साल 5,000-10,000 बच्चे दे देंगे इनको 20,000 आईटी के लिए या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो बैरियर है। उनको स्टार्ट ही 25% से रिजर्वेशन स्टार्ट करनी चाहिए ताकि हरियाणा के लोगों का भी भला हो और इंडस्ट्री को ऐसा ना सोचना पड़े कि हरियाणा कहीं ना कहीं नेगेटिव है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। तो जो स्किल डेवलपमेंट है वो स्लो प्रोसेस है, 5 साल में 10 साल में 12 साल में जाके आज हमारे यहाँ जो भी कोई कमी है कॉलेजेस की, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो मेडिकल कॉलेजेस हो, वो जब बनना शुरू होते हैं और हर साल कुछ बच्चे आएंगे सिर्फ, उसी तरह स्किल डेवलपमेंट में भी चाहे वो कॉलेज के बाद हो या स्कूल के बाद हो, इनफैक्ट 10th के बाद हो, तो वो लेवल अचीव करने में सरकार को सप्लाई डिमांड का वो थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो हम चाह रहे थे तब तक सप्लाई प्रॉपर हो जाए हमारे मैन पावर की, तब तक थोड़ा स्लो रखते इसको रिजर्वेशन को, परसेंटेज कम रखते। एक टाइम होता है कि हरियाणा का हर युवा प्रतिभावान तो है ही, बट उसको इंजीनियरिंग स्किल्स डेवलपमेंट में जो टाइम लगेगा वो मिल जाए, फिर वो पूरा इंडस्ट्री में काम करे आराम से। चलिए कुछ समय चाहिए, इनका कहना है कि हालांकि सरकार इसको लेकर वार्ता भी कर रही है, इन लोगों की बात सुनी जा रही है, कहीं ना कहीं इसको लेकर कोई निष्कर्ष निकालने की बात भी कही जा रही है। हम बात करें, क्योंकि हम जब दक्षिण नारायण की बात करते हैं, गुरुग्राम की बात करते हैं, तो हमने देखा था कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स होते बड़ी संख्या में होटल इंडस्ट्री यहाँ उनको एक और मौका दिया गया था, और खासकर जब इंडस्ट्रियल इलाकों की बात करें तो उसके साथ साथ एक होटल इंडस्ट्री भी एक अहम रोल हो जाता है, तो उसको लेकर यहाँ क्या कुछ स्कोप आने वाले समय में, खासकर हम बात कर रहे हैं कि इस गुरुग्राम की बात करें, द्वारका एक्सप्रेस वे की बात करें, सोना की बात करें, तो इंडस्ट्री इलाकों के साथ साथ होटल इंडस्ट्री को लेकर आप किस तरीके से आगे देखते हैं स्कोप? इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है कि स्कोप का जहाँ तक सवाल है, स्कोप की कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत बड़ा एम्पल स्कोप हमारे पास अवेलेबल है। थोड़ा सा इसमें मैं अपनी सरकार से, अपनी भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की पॉलिसीज हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट करें, क्योंकि उस एटमॉस्फेयर की वजह से हम लोग अपनी पॉलिसीज को हमारे लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट होना ज़रूरी है, तभी हम इस स्कोप को जनरेट कर पाएंगे। इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, एटमॉस्फेयर भी क्रिएट होगा, और साइबर सिटी आज वर्ल्ड के मैप है उसको और आगे बढ़ाने में हम सब मिलकर इसमें सहयोग करेंगे। चलिए सब मिलकर सहयोग करेंगे। इसके साथ साथ ऑटो इंडस्ट्री की तमाम बातें आपने रखी, गारमेंट इंडस्ट्री की बात रखी,
गुरुग्राम का जो नया गुरुग्राम की बात करते हैं, जिसको एक नया नाम नया गुरुग्राम कहा जा रहा है, ये आईटी इंडस्ट्री पर कहीं ना कहीं एक बड़ा यहाँ पर आसपास के जो औद्योगिक इलाकों की बात कर, आईटी इंडस्ट्री किस कितना उसके अंदर आप इस मौजूदा परिस्थिति में उसके हालात किस तरीके से देखते हैं, खासकर क्योंकि वर्क फ्रॉम होम भले ही तमाम और इंडस्ट्रियों में अब लोग कंपनी में आने लगे, आईटी इंडस्ट्री आज भी वर्क फ्रॉम होम पर ही घर से ही काम पर निर्भर चल रही है, इसको लेकर आप किस तरीके के हालात देख रहे हैं? देखिए, आईटी इंडस्ट्री टोटल डिजिटलाइजेशन पे काम करती है, तो वो WFH या वर्क फ्रॉम होम पे काम कर रही है, अच्छा है। जब तक कोविड का है डर और ये स्प्रेड रुकता नहीं है तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्क फ्रॉम होम करने में। बट जो हरियाणा में बात कर रहे हैं आप, कोविड के बाद और ये 75% रिजर्वेशन के बाद, कोविड में तो उन्होंने अच्छे से संभाल लिया था, उन्होंने इमीडिएट वर्क फ्रॉम होम किया, हर आदमी अपने घर से काम कर रहे हैं, और डिजिटल इंडिया जो डीजी की स्कीम थी वो आज काम आई हमारे यहाँ, हर तरफ चारों तरफ चाहे स्कूल्स हो या कुछ भी हो तो डिजिटल इंडिया के तहत काम हो गया। बट आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ हरियाणा में जो होनी है वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री को देखो यहाँ से अपनी दुकान समेटने में ज़्यादा देर नहीं लगता, उनको सिर्फ अपना एक फ्लोर चाहिए होता है, वो आज यहाँ रजिस्ट्रेशन हरियाणा में कल राजस्थान में या नोएडा में करने में उनको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को हो सकता है यहाँ से समेटने में देर लग जाए, लेकिन आईटी इंडस्ट्री वो है जो इससे सबसे ज़्यादा इंपैक्टेड है, उनको स्किल्स चाहिए। आप रोक रहे हो कि आप यूपी से लोग नहीं लोगे, आप दिल्ली से नहीं लोगे, आप बिहार से नहीं लोगे, तो आप बैरियर लगा रहे हो इंडस्ट्री में। देखिए, राइट टू जो ज्वाइन है वो आप हमारा हनन कर रहे हो, किस एम्प्लॉय को रखना है, क्यों रखना है, कितनी सैलरी देनी है, हमारे स्कोप की चीज़ है, उसमें गवर्नमेंट तय नहीं कर सकती कि आपको इस आदमी को और इतनी सैलरी पे रखना है। तो एक गैप आ गया है, तो वो हमारे को गवर्नमेंट ने फ्री हैंड देना चाहिए कि आप किसी को भी, चाहे किसी भी प्रदेश हो, और हिंदुस्तान एक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत है, तो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं, और इस कानून में तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस कानून के साथ नहीं है, 75% रिजर्वेशन वाले में आपने देखा होगा उन्होंने इस पे अलग ही, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात इन्होंने करी, हम होटल इंडस्ट्री की बात की गई, ऑटो इंडस्ट्री की बात की गई, गारमेंट इंडस्ट्री की यहाँ बात की गई, आईटी इंडस्ट्री, बीपीओ, एमएनसी, एक बड़ी पहचान जो है इन तमाम इंडस्ट्री ने इस दक्षिण हरियाणा से पूरे विश्व में इस प्रदेश को, इस देश को दी है, और इसको लेकर तमाम मुद्दों को लेकर अभी हमने चर्चा करी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले तमाम ऐसे कई मुद्दे जिसको लेकर के हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ में सोनल दहिया वो हैं अगले बुलेटिन को लेकर के, वो आगे अगले जो चर्चा को लेकर आपके सामने बात रखेंगे। जी बिल्कुल दीपक, इस सत्र के दौरान हमने कई ऐसे अहम मुद्दों पर चर्चा की है जो कि उद्योग से सीधे सीधे